ऑर्केस्ट्रा हो गया, कोई बढ़िया बढ़िया फंक्शन हो गया तो सब में बुलाल जाए कलाकार मन के, तो हुआ जाए ना कि बजाए एक बहुत ज़्यादा डिमांड होते रहे पहले, तो अब तो एक बजवैया तो जल्दी मतलब नखाए सब खत्म हो गया से ले धीरे धीरे लुप्त हुआ थे। तो हमरे के यहाँ बोलल गया कि नहीं ये सब पुराना है के, तो ये सब के खन जिंदा हम इनके फिर से करे खाए, तो ये सब में योगदान देवे पड़ी, तो हमरे सब के अब फिर से नया करत ही। अब मेरा नाम शिव शंकर महली है। मेरे पिताजी स्वर्गीय अनिरुद्ध महली, माता स्वर्गीय सधन देवी, और मेरा एक भाई है, बड़ा भाई श्री राम प्रसाद महली। अब हमको लगा कि भाई हमने यहाँ का वाद्य यंत्र ढाक, नगाड़ा, ढोलक, मांदर, सहनाई, मुरली, बांसी, शंख, भेरी, नरसिंहा इत्यादि चीज़ को सीखा, बजाया, उसको हर नृत्य गीत में प्रस्तुति के समय में सम्मिलित किया। लेकिन बहुत कोई जा करके बोला कि भाई ऐसा कोई ठेठ गीत भी लिखिए, ठेठ गीत लिखिए, अपना राग रागिनी में लिखिए। तब हमने सोचा कि भाई अब क्या करें, भाई लोग तो बोल रहा है लिखने के लिए, तो हम क्या करें। तो हमारे स्वर्गीय कवि घासी राम जो थे उनकी रचना को देखा मैंने, हर राग पर आधारित रचना को, तो हमको एक गीत हमको प्रेरणा दिया उनका दोहरी डमकच राग में, नागपुरी भाषा का दोहरी, नागपुरी भाषा का दोहरी डमकच राग में। उसके बाद में प्रफुल्ल कुमार राय थे हमारे, अभी तत्काल बचे हुए हैं उसमें से, मुकुंद नायक हैं, महावीर नायक हैं, गोविंद शरण हैं हमारे मर गए, आनंद कुमार राम हैं हमारे लोग के साथ में अभी जो मनपुरा नायक हैं वो रहते थे, और हमारे स्वर्गीय बांसुरी वादक वीरेंद्र नारायण तिवारी, गोपीचंद प्रमाणिक, कमलेश कच्छप, ये जो हमारे बांसुरी वाले थे वो तो चले गए। तो ऐसे ऐसे कलाकारों से हम लोग का जमाड़ा होता था। उस पर हम लोग का अभी जो हम रामदयाल मुंडा कला भवन में हैं उनके साथ भी हमको साथ लगने का मौका मिला, और छोटा नागपुर के जितने भी वरिष्ठ कलाकार थे, चाहे वो नाटककार हों, चाहे गीतकार हों, संगीतकार हों, वादक हों, नर्तक हों, तो हमको वो सबसे संगत करने का मौका मिला। और ये मौका जो है धीरे 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 गांव से शहर आया, शहर से राज्य हुआ, राज्य से देश हुआ, देश से विदेश हुआ, और ये श्रेय हम लोग को जाता है
जो गांव में एक टीम बनाए हम लोग, छौ टीम, छौ नृत्य का टीम, वो टीम पूरा मंडा जागरण जो होता था, जिसको अभी हम बोले कि आग में घुसने वाला, जो शिव जी का आराधना में हम लोग जाते थे, तो वहाँ पर रात भर हम लोग का छौ नृत्य होता था। कब से बजाते आ रहे हम लोग? लगभग 5-6 साल से, और जो हमारा गुरु जी है उसका लगभग 10-11 साल हो गया। आपके गुरु जी का नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद हंसदा। कहाँ के हैं और कहाँ से क्या करते हैं अभी? वो तो पहले कारपेंटर में काम करता था, फिर उसका पिताजी सब बना रहा था, उसको बचपन से काफ़ी लगाव था। फिर कारपेंटर करते करते वो तो रोज तो नहीं मिलता है, तो ये सब धीरे धीरे वो सीखने लगा, तो इसमें रुचि आया। और फिर एक दिन ऐसा सोचा कि ये तो लुप्त होते जा रहा है, और बचाना किसको है, हम ही को ही बचाना है। तो इसी सोच के साथ ये कदम उठाया कि इसको बनाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और देश विदेश में भी फैलाएंगे। ये हमारा वाद्य यंत्र है, ये हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं, इसी के उद्देश्य से वो अभी ये सब बना रहा है। इसकी मांग सिर्फ हमारे झारखंड मात्र में ही नहीं है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और हमें मनपुरा नाना जी ने बुलाया था, तो हमने यहाँ आया, और हम लोग का काम था कि टोइला बनाना। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ देखने के लिए भी हम लोग को बहुत सारे चीज़ मिले, और हमें यहाँ से बहुत सीख भी मिली बनाने के लिए टोइला बनाना। हम लोग ये मतलब कि ये हमारे पापा जी बनाते थे, तो पापा जी से हमने ये सीखा।